पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहा है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कौम के लोग अपने अपने स्तर पर पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के मानगो आजाद नगर में भी आज जुम्मे की नमाज के बाद विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए अल्लाह से दुआएं मांगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी नेता फिरोज खान ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को देश का नेता बताया, सही मायने में प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने बताया कि वाजपेयी जी कभी किसी खास दल या जाति विशेष के नेता नहीं रहे हैं। वहीं इस दौरान काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे और अपने पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। देश का प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साबित कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री, एक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी देखिए, जब भी भाषण देते रखता हो बीजेपी के प्रधानमंत्री है, कभी एक तरफ का बात नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे इंसान थे, उन्होंने साबित किया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, देश का सिपाही हूँ। आज इसीलिए खासकर वो बीजेपी के प्रधानमंत्री जरूर थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने भी उनको एक दिल में जगह दिया। इसीलिए लखनऊ जैसे क्षेत्र में जहाँ 50% मुस्लिम आबादी है, वो 40 साल तक सांसद रहे, वहाँ के लोगों ने उनको सर पर बैठा कर रखा।